हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस, अभी 9 बज चुका है, 9 बज रहे हैं और अभी बच्चे सो ही रहे हैं। अम्मी गांव गई हैं और बाबूजी भी यहीं लेटे हुए हैं। तो गाइस, आज कोई भी ऐसी फालतू वीडियो नहीं बनेगी, सिर्फ घी की बनेगी और थोड़ा सा छोटा मोटा जो काम है उसकी बनाऊँगी। तो आज तो घी का नंबर लगा ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाय बना के पीऊँगी। एक बार मैंने पी ली है, एक बार और बना के पी लेती हूँ। ये अभी इसको पूरा कंप्लीट करना है, इस थैली को अभी मोटी मोटी ये दोनों है ना छानना है इससे। तो ये काम भी है और उधर देखो सोना सो रहा है, इधर तो शिव सो रहा है, इधर बाबू जी लेटे हुए हैं। तो अभी कोई भी काम नहीं किया है मैंने, देखो पूरा ही मतलब घर अभी ऐसी पड़ा हुआ। कैंपर मैंने ले ली। तो गाइस, थूली मैंने पूरी छान ली है और झाड़ू वगैरह लग गई है हॉल में। और भाई आ गए थे तो उनको चाय वाय बना के दी मैंने और यहाँ की साफ सफाई हमने कर ली है। अभी तो सिर्फ इधर का पोछा लगा रहा है। इधर तो पोछा गाइस इतनी सी जगह में लगता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ पोछा लग रहा है। देखिए ना, इसको मैं पिसवा लूँगी अब वापस से घी में डाल के। और ये देखिए, इसका मैं घी बनाऊँगी। इस किचन कर लिया है मैंने साफ और अभी पोछा लगाना है। तो शिव नहा के जा रहा है कुछ सब्जी लेने के लिए और शेरू देखना वापस बैठ गया आके यहीं पे। ये देखो, ए निकल बाहर, इतनी तेज हो गई है। देखो मैं गेट लगा लेती हूँ। केप पहन जा, केप। और इसको उठाऊंगी ना गाइस, अभी देखो इसका दूध मैंने रख रखा है। ले शेरू चल आजा, कैसा आ गया देखो। हाँ चल बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल। देखो कितना चतरा है ये, होशियार। पानी भर के रखा ना तो नहीं पिया उसने। तो गाइस, मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ये इतना इतना सर। तो अभी और खाना मैंने ना खाना भी नहीं बनाया, अभी सब्जी तो बना ली थी तो मैं बना रही हूँ रोटी। और मैंने तो चाय बना ली गाइस अपने लिए, तो चाय पीऊँगी और उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि बारिश का पूरे साल का सामान मुझे गेहूँ वगैरह ये पूरा भरना है। तो फाइनली मैं रोटी खाना वाना बना के जाती हूँ। तो गेहूँ लाना है, दाल लाना है, जो जो लाऊंगी बताऊंगी और इंशाल्लाह घर पे ही बनाऊंगी दालें वगैरह, तो बताऊंगी आप लोगों को। तो मैं यहाँ बनाने लग गई हूँ पराठे और आटा है ना गाइस रखे रखे चेल गया पूरा। तो फटाफट पराठे बना लेती हूँ और यहाँ सेव की सब्जी तो बनी चुकी है। तो गाइस, 7:30 बज चुका है और मैं चली गई थी मार्केट में। मैंने बोला था कि मुझे काम है और आज हार्ट भी था तो थोड़ी सब्जी वगैरह भी ली, तो खाने में भी लेट हो गया है। और इधर अम्मी काट रही है आम, तो आम रस बनाएंगे और चावल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, चावल बघार रही हूँ बस। और सामान मैं लेके आ गई हूँ, टमाटर लई हूँ, प्याज लेकर आई हूँ, थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ। और जो गेहूँ वगैरह जो लिए मैंने वो कल आ जाएंगे। हाँ गाइस, दाल बन गई है तो मैं बघार लगा लेती हूँ दाल में। यहाँ आमरस भी हो गया तैयार, दाल में बघार लगा लिया है। उधर अम्मी बाबू जी खा रहे हैं खाना, कोई भी नहीं आज, दोनों खा रहे हैं। तो मैं अभी खाऊंगी देर से बच्चों के साथ और अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, 9 बज गई। तो चलो फाइनली खाने के काम से तो फ्री हो ही गए, अब बनाऊँगी गाइस में घी। तो ब्लॉग तो गाइस बड़ा हो ही जाता है, दिल करता है पूरे घर का रूटीन बताऊँ आप लोगों को। तो गाइस, 1:15 बज चुका है और अभी तक हम लोग जग रहे हैं। सोना अभी जस्ट सोया है उधर और हम लोग मतलब अम्मी और हम छत पे बातें कर रहे थे। तो बच्चों ने अभी यहाँ पे खाना वाना खाया था, अभी जस्ट अम्मी ने बर्तन वगैरह धोए हैं, मैंने किचन उचन साफ करा और इधर हम आए ऊपर से और इधर बाबू जी का पाँव धोने लगा, तो अम्मी दबा रही है पाँव बाबू जी का। तो गाइस, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है लेकिन अब मुझे घी बनाने के लिए उठना पड़ा। मैं सो गई थी थोड़ी देर और अभी रात के 4 बज चुके हैं, 4 बज गए।
मैं अभी बना लूँ, सारे घर के सो गए हैं, मैं अपने हिसाब से काम कर लेती हूँ। तो गैस फटाफट बना लेते हैं। और ये मैंने धो के, तो मैं लकड़ी की ना इससे बनाऊँगी। तो मैंने ये मशीन भी निकाली है, लेकिन मुझसे सही से लग नहीं रही है गैस, तो मैं तो इसी से बना लूँगी। हाँ, मैं डालूंगी ठंडा पानी, बर्फ वाला। देखें, और अब इससे बनाऊंगी। तो गाइस देखिए किस तरीके से मक्खन निकल रहा है, और अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको बनाने में, इतना और है। तो गाइस 9 बज चुका है, और क्या टाइम हो गया अम्मी? 9 बजने ही वाला है गाइस, और पूरी मतलब 5-4 बजे से मैं लगी थी आज, क्योंकि मैं बार बार ब्लॉग में बता रही थी कि नहीं अब तो घी बनाना है, घी बनाना, लेकिन नहीं बना पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा है कि फाइनली इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये सारा मक्खन मैंने निकाल के रख लिया है। तो एक हाथ से ना एक तो ब्लॉग बनता नहीं है सही से, मैं पूरा दिखा नहीं पाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस आज तो सुबह मतलब ये दूसरे दिन का ब्लॉग भी मेरा स्टार्ट हो गया है। तो चलो, नल भी आ गए थे, कपड़े वगैरह ये भी धुल गला के आ गई हूँ, छत पे साफ़ सफाई भी हो गई है, और किचन भी सारा समेट लिया है, सब गर्म पानी से बर्तन धोए, क्योंकि अगर देसी चीज़ खाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी गाइस। तो ये देखिए, ये मक्खन तो निकल चुका है, लेकिन इसमें जो ये पानी है ना, इसको मैं अलग कर देती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं इसको, गैस चालू कर दिया है मैंने पहले से, क्योंकि ब्लॉग बनाने में दिक्कत आती है। तो फाइनली मैंने मक्खन रख दिया है इस पर, और अब इसको पकाने में गैस टाइम तो लगना ही है, पता नहीं कितना गैस जल जाएगा। आज का ब्लॉग है ना दो टाइम का हो जाएगा, दो दिन दूसरे दिन में लग गया है, इसलिए गैस पूरा देखना है इसको, आधा थोड़ा ब्लॉग मत देखना। तो ये देखिए गाइस, थोड़ा सा इसको मैं पिघल रही थी, उसके बाद है ना मैं बड़ी कढ़ाई में ही डालूंगी इसको, क्योंकि छोटी कढ़ाई में आना नहीं है इसको। ये देखिए, इसको बड़ी कढ़ाई में ही निकालना है। तो गाइस मैंने इस कढ़ाई में निकाल लिया है, और ये वाली कढ़ाई मैंने खाली कर ली है। तो गाइस देखिए, तो ये बस थोड़ा और पकने लगेगा ना, फिर उसके बाद में ना ये जो झाग है ना ऊपर के, ये निकालती जाऊंगी इसके इस तरीके से। तो अभी थोड़ा सा और पक जाए। तो गाइस अभी हमने नाश्ता कर लिया है, और यहाँ देखो घी भी बन ही रहा है। तो घी अम्मी हिलाएगी जब तक, मैं ऊपर कपड़े धो लेती हूँ। तो घी बन रहा है, और यहाँ देखिए मैं कपड़े धोने आ गई हूँ, कपड़े बहुत सारे हो गए थे गाइस। तो आज बस दो दिन का ब्लॉग आपको देखना है। तो गाइस यहाँ धोबी घाट भी लगा हुई है, लेकिन आज हवा इतनी तेज चल रही है, और अम्मी इधर कपड़े संभाल रही, बार बार है ना कपड़े गिरे जा रहे हैं, और अम्मी उनको संभाले जा रही है, आज इकट्ठी हवा चल जाएगी सारी। और यहाँ देखो दोनों की लड़ाई चालू हो चुकी है। तुम नहीं जाओ तो मुझे तो जान दो, कम से कम
हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। पर बाबू जी जान दो जाए तो गाइस फाइनली मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अभी बज चुका है 12 बज चुके हैं गाइस। तो कल से और आज से वीडियो बना बना के भी थक गई हूँ और काम कर करके भी थक चुकी हूँ। ये निकाल दे मुझे और अब आ गया मेरा एनर्जी। और गाइस कल रात से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे इससे एनर्जी आती है गाइस। अब इतना सारा काम कर लिया ना, अब इसको पीती हूँ। और इसने खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि ये बाहर का खा के आया था, इसलिए इसका पेट खराब हो गया गाइस, खुल के बता देती हूँ। नहीं कहीं खराब नहीं हुआ, मेरा पेट तो बस दर्द कर रही है। दर्द मैदे की चीजें खा खा के आए। आप तो पूछोगे खाना खा ले, खा ले खाना, अभी बनाऊंगी गाइस। अभी नाश्ता करवा दिया मैंने, अभी बनाया ही नहीं मैंने गाइस, तो क्या उसमें। और यहाँ देखिए ये घी तो मैंने बना लिया है, लेकिन अभी इसको छानना है, तो पहले इसको छान लेती हूँ। तो गाइस फाइनली घी को छान लिया है मैंने, और घी के बर्तन फिर देखो इतने हो गए और कढ़ाई भी चढ़ गई है। और घी बताती हूँ आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छा निकला है। ये देखिए गाइस घी, तो आप अंदाज से बता सकते हो कि ये घी कितना निकला होगा। मैंने बोला था आप लोगों से कि 2 किलो से तो ऊपर ही घी निकलेगा, वो 2-3 किलो, 3 किलो तो 3 किलो तो नहीं निकला, पर हाँ 2 किलो घी जरूर है वो। 2 किलो? हाँ 2 किलो घी है वो। 2 किलो? हाँ 2 है वो। गाइस 3 पाव घी है गाइस, 750 ग्राम। नहीं अभी डब्बा भरूंगी ना जब देखना। कितने दिन से मैं बोले जा रही थी घी बनाना है घी बनाना, फाइनली आज घी बन चुका है गाइस। और अभी बता ही दिया मैंने, अब तो 12:15 हो चुका है। तो गाइस वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो का एंड कर देते हैं और खाने की तैयारी करते हैं, क्या खाने में बनाना है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग है मेरा बना हुआ, 1.5 दिन का ब्लॉग है। तो चलो घर के काम तो चलते ही रहेंगे, ये तो ख़त्म होते ही नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। और आज मैं दिन में वीडियो का एंड कर रही हूँ, तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।